हेलो एवरीवन हम स्टैटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टेन रिंचज़ ओके जो कि हमारा यूनिट नंबर फोर के लोग आता है रिंचज़ रिंच जो है उसके डेफिनेशन हम पहले भी डील कर चुके हैं अब रिंच का पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हमने रिंच की डेफिनेशन पढ़ी थी अब हम रिंच के बारे में पूरा स्टडी करेंगे ओके तो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन रिंच ओके okay, रिं में तो क्या लेंगे आप इफ़ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर सिस्टम ऑफ फोर्सेज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर आपने पहले पढ़ चुके हो कि एक रिजिट बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेज हैं ठीक है एक रिजिट बॉडी पे आपने बहुत सारे फोर्सेज लगाए ठीक है और आपने इन सभी फोर्सेज को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया ओके ठीक है आर में एंड कपल ऑफ मोमेंट के उन सभी का कपल ऑफ मोमेंट है वो हमने के के अलोंग रिड्यूस कर दिया हुज एक्सिस कॉन्साइड विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स देन आर एंड के टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रेंच ऑफ द सिस्टम एंड रिटर्न एज आर के दैट मीन्स आप पहले इस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हो आपका फोर्सेज इन थ्री डायमेंशन में हमने पढ़ा था एक क्रिजिट बॉडी है हमारे पास उस पर हमने बहुत सारे फोर्सेस को एक्ट कराया और उन सभी फोर्सेस को उन्हीं फोर्सेस के डायरेक्शन में एक सिंगल फोर्स भी रिड्यूस कर दिया एंड ऑल्सो कपल ऑफ मोमेंट बी रिड्यूस इन द सेम ठीक है इज डिनोटेड एज के इन दोनों की जो फोर्सेस है सिंगल फोर्स की और कपल ऑफ मोमेंट के की अगर दोनों की एक्सिस कॉन्साइड करते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्सेस जहाँ जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उसी डायरेक्शन में अगर आपका के भी और आर भी एक्ट करते हैं तो उन दोनों का और दोनों की डायरेक्शन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करे दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करे मतलब हम ये कहें कि दोनों की जो एक्सिस है वो आपके पास कॉन्साइड करे इस टाइप से ठीक है तो दोनों को एक साथ अगर हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उनके बारे में देखते हैं लिखते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड रिंच ओके तो ये हमारे पास क्या थे रिंच की डेफिनेशन कि बहुत सारे फोर्सेस जो एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनको हमने एक सिंगल फोर्स रिड्यूस किया आर में ओके और सभी के कपल ऑफ मोमेंट को भी हमने सिंगल कपल ऑफ मोमेंट के में रिड्यूस कर दिया K की और आर की अगर दोनों की एक्सिस कॉन्साइड करती हैं तो देन वी कैन सी दैट इट इज फॉर्म इन रिंच ओके तो देखिए अब हम थ्योरम है इसके ऊपर वो पढ़ते हैं टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेज टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाई टू फोर्सेस ठीक है वही चीज़ दे है आपके पास कि बहुत सारा सिस्टम है बहुत सारे फोर्सेस हैं जो एक सेम डिजिट बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनको दो फोर्सेस में रिप्लेस करना है ओके इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज एंड द टैट्रा हेडन बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे शॉप करने के लिए सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे पहला क्या है जो गिवन ऑफ सिस्टम है फोर्सेस का उनको दो फोर्सेस में रिड्यूस करना है ओके मतलब दो फोर्सेस में रिप्लेस करना है आपने इन बहुत सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला और सभी को उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में एक ही उस पॉइंट पर पे ला के रिप्लेस कर दिया था अब कह रहा है कि आपको वो जो सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है दो फोर्सेस में ओके okay, एक तो बात ये होगी आपके पास दूसरा सेकेंडली है इक्वी वैलेंट टू द गिवन सिस्टम इक्वी वैलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज कि हम इसको इक्विवेलेंट कर सकते उसी सिस्टम के अलावा इन इनफाइनाइट वेज में नेक्स्ट है द टैटन है फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस और ये जो दो फोर्सेस हम डिफाइन कर रहे हैं बहुत सारे फोर्सेस के रिगार्डिंग उनसे बनने वाले ट्रैक्टर का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का फॉर्मूला वो आपको क्या दिखाना है जी कॉन्स्टेंट दिखाना है ओके तो देखिए सबसे पहले मैंने डायग्राम बना रखा है लेकिन मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने लिया आपने क्या लिया था कि रिजल्ट बहुत से सारे जो फोर्सेस हैं उनका सेम सिंगल फोर्स पे रिड्यूस किया जिसको हमने रिजल्टेंट का नाम बोला और आर से डिनोट किया और इन सभी के जो कपल ऑफ मोमेंट है उनको भी हमने किस में रिड्यूस किया एक सिंगल में और उसको से डिनोट करा ओके अब देखिए ये जो है हमने किसके लो ड्रा कर रखा है जेड एक्सिस के लोंग कर रखा है ना तो अब हम इसको थ्री डायमेंशन एक प्लेन में एक्सप्रेस कर देंगे तो आपने ये क्या ले लिया एक्सिस वाई एक्सिस एक्सिस ले लिया ये क्या ले लिया सॉरी वाई एंड ये क्या ले लिया आपने जेड एक्सेस ले लिया ले लिया अब देखिए आपके पास ये जो है कि हमने देखा कि बहुत सारे फोर्सेस थे एफ़ वन एफ टू एफ थ्री एंड एंड सो ऑन नेट एन थे हमने इन सभी को एक सिंगल फोर्स में किस में रिड्यूस कर दिया आर में एंड इनके जो कपल ऑफ मोमेंट था उसको हमने किस में रिप्लेस कर दिया के में कर दिया एंड दोनों को अगर एक साथ स्टेप से लिख सकते हैं तो वो हमारे पास क्या आ गया रिंच बन गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये इन फोर्सेस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा ये आपके पास किस में बातें कर रहा है कि आपके पास है लेकिन वो रिंच की फॉर्म में है और आप इस रिंच को दो फोर्सेस में रिड्यूस करना चाहते हैं रिप्लेस करना चाहते हैं किसमें आर वन और पार्ट टू में कि बहुत सारे फोर्सेस को तो एक सिंगल पे लेके आए अब उस रिंच से किस में जाना है आपको दो पहले तो इन सब का रिंच बनाया और अब इस रिंच से हमें उस फोर्स को दो उसमें रिड्यूस करना है ब्रेक करना है ठीक है रिप्लेस करना है तो अब आपका मेन जो काम है वो यहाँ पे ये है कि रिंच से इन दोनों में डा, डालिए ठीक है ठीके? ओके अगर हम ये सोचें कि हम इसी के अलोंग दो फोर्स लगाते हैं तो मैंने आर वन लगाया ठीक है ये मेरा हो गया आर वन बाहर की तरफ ठीक है ओके आर वन जब आप लेते हो तो आर वन ठीक है आर तो है आर वन भी ले लिया अब इस आर वन का कपल ऑफ मोमेंट निकाली इस पॉइंट पे कपल ऑफ मोमेंट कैसा निकालोगे फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके परपेंडिकुलर डिटेंस एंड मल्टीप्लाई साइन एंगल बिटवीन दैन ठीक है अब देखिए फोर्स तो आपका आर टू हो गया ठीक है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने कहीं मूवमेंट किया ही नहीं आप तो यहीं की यही हो ना यहीं की यहीं तो बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी जीरो है एंड फोर्स क्या है आर वन है आर वन मल्टीप्लाई जीरो एंड चलो इसको साइन थीटा रख लेते हैं तो आपके पास क्या हो गया ये ज़ीरो हो गया तो बताइए कहाँ से रिड्यूस करोगे इसको नहीं कर पाओगे ना तो हम क्या करेंगे इसको वो करने के लिए हम इस लाइन को दोनों तरफ बढ़ा देते हैं ठीक है ये हमने इसका ले लिया और ये इधर ले लिया ठीक है अब हमने इसको लिया अब क्या है करने वाले हैं कि भाई हमें इसको दो उसमें रिड्यूस करना है राइट तो दो फोर्सेस के रूप में रिड्यूस करना है स्टूडेंट्स इसके लिए हमने लिया सॉरी मैंने ये उल्टा नाम डाल दिया बाई मिस्टेक ठीक है तो ये मेरा वाई है और ये मैंने एक्स ठीक है तो सॉरी अमरेली सॉरी अब देखिए हमने इसको ले लिया रिड्यूस कर दिया आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि हम इसी के दौरान इनको दोनों को दो फोर्सेस में रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब रिंच और के जो है वो एक सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं उनको दो पोर्शन में तो रिड्यूस नहीं कर सकते ठीक है हमने लिया इसी के पैरलर इसी के पैरलर लिया इसी के पैरलर लिया और मैंने इस पॉइंट को किसका नाम दे दिया ए इसके अलोंग भी लिया मैंने तो ये मैंने वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया ठीक है मैं इसको नया नाम दे रहा हूँ वाई डेस और इसको क्या ले रही हूँ जेड डेस क्योंकि ये जो लाइन है मेरी वो किसके अलोंग है किसके पैरलर लिया मैंने इसके पैरलर लिया ठीक है अब देखिए फोर सेक्ट कराना है तो फोर्स एक्ट कराना है हमने ये मेरा जेड एक्सिस है मैंने ये ले लिया हमारी तरफ बाहर की तरफ जैसे इसके जेड वाई एक्सिस के अलोंग मतलब जैसे आपके पास इस टाइप से ले लिया ये तो जेड है और ये हमारा वाई है मैं इसकी बात कर रही हूँ ठीक है अब तीनों जो एक्सिस होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं लेकिन हम इनको एक्सप्रेस तो इस टाइप से ही करेंगे आपको ये एक ही परपेंडिकुलर दिखेगा दूसरा तो शोअप नहीं होगा तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स को छोड़ दिया ठीक है जेड और वाई को लिया मैंने ले लिया कि आर वन जो है ना वो मेरा इस टाइप से आर वन और ये जेड के साथ आर वन जेड के साथ अब देखिए ये जो है ये मेरा इधर जो मेरा पेन देखिए ये पेन की तरफ जो है मैंने इसको आर वन में डाल दिया ठीक है और मैंने ये ले लिया कि ये कितने का एंगल बना रहा है अल्फा तो देखिए इस चीज़ को हम एक्सप्रेस तो इस टाइप से नहीं कर सकते ना तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस टाइप से करेंगे ले लिया अब हमने ले लिया ये कितने का एंगल बना रहा है एल्फा एंगल बना रहा है ये जो फ़ोर्स था आर वन ये हमारा जेड एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है एल्फा ठीक है हो गया इसका अब चलिए दूसरे फोर्स को लेते हैं अब हमने इधर भी क्या किया इसके पैरलर एक लाइन ड्रा की जिसको भी मैंने किसका नाम ले लिया जेड एक्स का नाम दे दिया ठीक है ये मेरा देखो ये जो ऊपर वाला खड़ा वाला जो प्लेन है ये मेरा है तो क्या मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं वो वाई और किस में कर रहे हैं वाई जेड प्लेन में कर रहे हैं और ये मैंने नीचे तरफ इसके ले लिया अब देखिए दोनों को सेम डायरेक्शन में तो रख नहीं सकते फोर्सेस को तो हमने क्या ले लिया उसकी जो डायरेक्शन है मतलब ज़रूरी नहीं है आप इसको भी ले सकते हो पीछे की तरफ इसको आगे की तरफ ले लिया ठीक है इसको आगे की तरफ ले लिया अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने देखो मेरे पास जैसे ये मेरा जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस है ये जैसे मैंने पेज जो खड़ा कर रखा है ये मेरा जेड एक्सिस है एक तो मैंने फोर्स इधर ले लिया ठीक है इस टाइप से यू ले लिया और एक जो फोर्स है वो मैंने यू ले लिया एक फोर्स इस डायरेक्शन में लिया और एक फ़ोर्स मैंने इस डायरेक्शन में ये जो है ये मेरी जो लाइन है ये मैं जेड एक्सिस लूँगी और एक फोर्स मैंने इधर ले लिया ओके और एक इधर ले लिया इसको मैंने किसका नाम दे दिया आर वन का और इसको किसका नाम दे दिया आर टू का आर वन जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया जो कि जेड के साथ ए, एल्फा एंगल बना रहा है एंड ये जो है ये मेरा इस टाइप से कर दिया मैंने आर टू ठीक है आर टू ये कितने का एंगल बना रहा है ये मेरा बीट एंगल बना रहा है ठीक है अब आपने दोनों फोर्सेज को तो डाल दिया अब इनके फोर्सेज फोर्स के कॉम्पोनेंट और कपल कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए क्या आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना आ गया नहीं आया है तो मैं दोबारा से एक बार इसको बता देती हूँ ठीक है दोबारा से बना देती हूँ और अच्छे से फिर से क्लियर हो जाएगा आपके पास क्या लिया हमारे पास ये आपने ले लिया क्या दे रखा है रिंच दे रखी ठीक है ना कि आपके पास रिंच दे रखी है आर एंड के रिंच क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस को हम सिंगल पॉइंट में सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर दें और साथ साथ किसको को को भी अब ये मेरा जेड एक्सिस के लोंग है ठीक है अब हमें ये जो आर के जो रिंच बनी है उसको दो फोर्सेज में रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हम 3D थ्री डी कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे थ्री डायमेंसन थ्री डायमेंसन करेंगे तो ये मेरा क्या ले लिया मैंने एक्स एक्सिस एंड ये क्या ले लिया वाई एक्सिस आपके तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये हमने ओरिजिन ले लिया ये हमने एक्स ले लिया ठीक है अब आपको सी, सीधी सीधी मेन जो लैंग्वेज है उसमें आपको ये समझ में आ गया कि आर के जो है आपका जो रिंच बन रहा है उसको किस में रिड्यूस करना है दो फोर्सेस में आर वन एंड किस में आर टू में करना है ठीक है तो हमने इसी के पैरलर दूसरा लिया लिया और इसी के पैरलर इस टाइप से ले लिया इधर की तरफ दोनों तरफ काम कर लेंगे हम अपना ठीक है ये मेरा जेड एक्सिस के पैरलर है ये भी मेरा जेड एक्सिस के पैरलर है देखिए मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरल ड्रा कर दिया ये भी लाइन ड्रा कर दी वाई एक्सिस के पैरलर इसको मैंने ए पॉइंट का नाम दे दिया इसको किसका नाम दे दिया बी अब देखिए यहाँ पे दोनों फोर्सेज लगाएंगे मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको ये बताया कि जैसे मेरे पास ये रखा है ये जो लाइन है ये जो लाइन ये, ये मेरा जेड प्लेन है अगर आपको ये भी पता है कि हम इसी लाइन के अलोंग तो क्या नहीं कर सकते दोनों फोर्स को रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो कपल ऑफ मोमेंट है वो आपका ज़ीरो बन जाएगा क्यों फोर्स कैसे निकालते हो कपल ऑफ मोमेंट कैसे निकालते फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई साइन थीटा बिटवीन दैन तो जब आप इसी पॉइंट पे हैं कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो फोर्स वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या रहेगी दैट विल बी ज़ीरो तो इसलिए हमने इस पॉइंट की बजाय हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम ये जो फोर्स लगाते हैं ये मेरा जेड प्लेन है अब देखिए एक तो मैंने इधर की तरफ ले लिया जो मेरा अंगूठा है इसकी तरफ और एक मैंने इधर ले लिया तो देट मीन्स देखिए मैं दोबारा से क्वेश्चन कर रही हूँ ये मेरा इधर एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है तो इसको हम आर वन ले, ले लेंगे एंड इसको क्या ले लेंगे आर टू ले लेंगे ठीक है अब ले लिया आपने कि आर वन जो है ये देखिए ये वाला और आर टू जो है ये वाला ले लिया ठीक है ये आर टू आर वन जो है मेरे पास जेड एक्सिस के साथ हेल्फा एंगल बनाता है एंड दैट मेक्स बीटा अब हम यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालेंगे कैसे कैसे कंपोनेंट्स निकालोगे फोर्स कंपोनेंट एंड कपल ऑफ कंपोनेंट निकालोगे ना तो फोर्स कंपोनेंट ये देखिए हमारे जो फोर्स है वो टोटली वाई एंड जेड प्लेन में वाई एंड जेड प्लेन में है तो आर वन जो है वाई एंड जेड प्लेन में है तो तीनों जो प्लेन एक्स वाई जेड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आप ये देखिए अगर वो एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन में है तो दैट इट मेक्स एंगल 90 विद द एक्स एक्सेस ओके तो आपको पता है फोर्स कंपोनेंट जब निकालते मतलब कंपोनेंट आप निकालते हो कैसे निकालते हो कॉस थीटा वन कोस थीटा टू एंड कोस थीटा थ्री ओके मैंने इसको ले लिया एक्स एक्सेस के लूँगा वाई एक्सेस के लो एंड जेड एक्सेस के लो अगर ये एक्स एक्सेस के लो लेता है तो एक्स नाइन्टी डिग्री तो ज़ीरो ठीक है फोर्स कंपोनेंट निकाल दें तो फोर्स कंपोनेंट हम आर लगा कर बना लेंगे तो एक्स के अलोंग एक्स के अलोंग तो क्या बन गया कोस नाइन्टी तो जीरो बन गया एंड वाई के अलोंग क्या बन गया कोस एल्फा एक टू आर कोस एल्फा ये किसके अलोंग बन गया ये आपके पास उसके अलोंग बन गया वाई जेड एक्सिस के ठीक है जेड एक्सिस के अलोंग अब देखिए आप ये एक्स ये वाई सॉरी जेड एंड वाई के प्लेन के बीच में है एक के साथ एल्फा एंगल बना रहा है तो वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा आर वन कोस नाइन्टी माइनस में एल्फा तो दैट मीन्स आर वन साइन एल्फा आर वन साइन एल्फ़ा तो देखिए ये तो मेरा वाई कॉम्पोनेंट है ये मेरा जेड कॉम्पोनेंट है और ये मेरा क्या है एक्स कॉम्पोनेंट ठीक है सिमिलरली हम इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे एक्स वाई एंड जेड तो एक्स कॉम्पोनेंट जो है आर वन कोस नाइन्टी एंड जेड जो है आप देखिए मैं पहले इसका लिख रही हूँ क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है ये जेड के साथ एंगल बना रहा है तो पहले मैं इसका लिखूंगी ना तो आर वन कोस बीटा एंड सॉरी आर टू है ये मैंने में आर वन गलती से लिख दिया तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हो गया नाइन्टी माइनस में बीटा तो इसको क्या लिख सकते हो नाइन्टी माइनस बीटा को आर साइन बीटा लिख सकते हो ठीक है तो ये तो आपके पास क्या होंगे फोर्स कॉम्पोनेंट और कपल कॉम्पोनेंट क्या लेते हो कपल कॉम्पोनेंट आप लेते हो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मल्टीप्लाई साइन एंगल बिटवीन दैम ठीक है यही लिखते हो तो ऐसे ही हम उनके वो निकाल लेंगे ठीक है अब चलिए इस पर जो मेन चीज़ें थी वो तो हमने निकाल दी अब ये देखते हैं कैसे कैसे निकालोगे ठीक है तो चलो इसके कंपोनेंट्स और निकाल लेते हैं एक बार हम तो साइन थीटा बिटवीन द एफ डिस्टेंस बिटवीन तो देखो इसका निकालोगे आप पहले जेड एक्सिस के अलोंग निकालोगे तो जेड एक्सिस के जो अलोंग है वो आपके पास क्या हो जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग आर वन और साइन आर वन साइन एल्फ़ा उसका क्या बन जाएगा आपका आर टू ना आर वन कॉस एल्फा एंड इसका क्या बन गया एक्स एक्सिस का जीरो ऐसे ही हम इधर निकालेंगे लेकिन मेन जो बात है वो देखिए हमने ये जो आर जो फोर्स था वो अंदर की तरफ डाला आर जो फोर्स था वो हमने कहाँ ड्रॉ किया अंदर की तरफ ड्रॉ किया तो जैसे ही आपने इसको अंदर की तरफ ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास यहाँ पे आपके लिए वो नहीं है कि नेगेटिव डायरेक्शन में ठीक है तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो देखिए सॉरी पहले हमने ये मानना था तो ए ये डिस्टेंस ले लिए बी यहाँ से डिस्टेंस लिया तो आर वन आपके पास हो गया आर वन साइन अल्फा, डिस्टेंस क्या है ए आर टू कोस अल्फ़ा डिस्टेंस क्या है ए ठीक है ऐसे इधर ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा आर टू साइन अल्फा, ठीक है और डिस्टेंस क्या है बी आर टू साइन बीटा साइन बीटा ओके और इधर लोगे आप इसका तरफ लोगे तो यहाँ पे जो लोग तो वाई एक्सिस के जो अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग आपका पॉजिटिव तो ये है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जब होगा तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे माइनस का सिंबल लगा देंगे ठीक है तो देखिए अब हम इनको वो कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं किस टाइप से हमने सभी चीज़ों को तो निकाल दिया अब हम इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक है लेट द गिवन सिस्टम आपने एक सिस्टम लिया बी इक्वी वेलेंट टू रिंच आर के ये दे रखा है हुज सेंट्रल एक्सिस जिसके सेंट्रल जो एक्सिस है मैंने किसके अलोंग ली जेड एक्सिस के अलोंग लिया ठीक है सच दैट आर इज द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओ जेड एंड के इज द रिजल्टेंट कपल दोनों रिजल्टेंट कपल थे थ्रो किसके अलॉन्ग ले लिया इसके लोंग, ये जो हमारे एक्स एक्सिस है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है ठीक है अब हमने मान लिया कि ओ ए तो ए डिस्टेंस और ओ बी बी स्मॉल बी ले लिया ठीक है देखिए मैं फोर्स कंपोनेंट ऐसे निकालते जिसमें सपोज दैट द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द टू फोर्सेस आर वन एंड आर टू एट ए एंड बी आपने आर वन ए पॉइंट पे एक्ट कराया और आर टू किस पे बी पे इन सच ए वे दैट द फोर्स आर वन एंड आर टू लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू ओ एंड ओ बी आर वन और आर टू जो है वो परपेंडिकुलर पड़ते हैं किस पे ओ ए और ओ बी पर और मेक्स एंगल अभी एक्सप्लेन किया था एल्फा और बीटा विद किसके साथ ओनली ओ जेड के साथ, के साथ. मतलब एक्स एक्स जेड एक्सिस के साथ अब हमने रिजोल्विंग पार्ट निकाला ये दोनों का आर वन का भी और आर टू का भी देखिए आर वन और आर टू जैसे ये है जेड के अलोंग लिया तो जेड के अलोंग जो रिजल्टिंग जो फोर्स था वो किसके अलोंग काम कर रहा था इसी के अलोंग तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे इन सबको निकाला ये मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग और ऐसे इसका ले लिया तो जेड एक्सिस के अलोंग तो देखिए जेड एक्सिस के अलोंग आपके पास कौन कौन सा मिल जाएगा आर वन कोस एल्फा प्लस में आर टू जेड एक्सिस के अलोंग आर टू कोस बेटा इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है आर है तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर वन कोस एल्फा प्लस में आर टू कॉस बेटा इज इक्वल टू आर बन गया क्यों बन गया क्योंकि ये हमने जेड एक्सिस के अलोंग लिए ये तो आर वन का ये आर टू का जेड एक्सिस के अलोंग तो जेड एक्सिस के अलोंग तो हमारा उन रिजल्टेंट काम कर रहा है तो है तो आर ले लिया अब देखिए वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के लिए अलोंग आपके पास क्या है आर साइन एल्फा और प्लस में आर टू साइन बेटा इज इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि जेड एक्स वाई एक्सिस तो आपके पास यहाँ पे है वाई एक्सिस ये नीचे की तरफ है इधर तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा तो फोर्स क्या बन जाएगा आपका ज़ीरो तो हमने वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट आर निकाल लिया तो इसका तो आर के इक्वल है और इसका क्या बन गया जीरो तो ये आर और जीरो कैसे आए ये आपके पास समझ में आ गया क्योंकि जो सभी जो फोर्सेस थे वो एक सिंगल फोर्स पे रिड्यूस कर रखे आपने ओ जेड के अलोंग और उनको के रिजल्टेंट को आर का नाम दे दिया तो जो भी जितने भी जो फोर्स हैं वो जेड के पैरल लाइन्स के अलोंग अगर काम करेंगे तो उनका सभी का जो रिजल्टेंट है वो क्या ही कहलाएगा आर ही होगा तो वाई के अलोंग तो हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वहाँ पे क्या बन गया ज़ीरो बन गया ठीक है ऐसे ही हम किसका निकाल देंगे कपल का निकाल देंगे तो देखिए कपल ऑफ मोमेंट कपल ऑफ मोमेंट हमारा ये किसका था आर वन साइन एल्फा ए आर वन का था आर टू साइन बीटा बी ये किसका था ये आर टू का था ओके okay, इन दोनों को प्लस करोगे और आपका क्या आ जाएगा ठीक okay, तो देखिए मैंने ये निकाल लिया यहाँ पे रिसोल्विंग फोर्स अलोंग ओ एंड परपेंडिकुलर टू जो ओ ओ जेड पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है वो आपका आपने वहाँ पे वाई को लिया है तो देखिए ये तो मैंने जेड एक्स इसके लो आर वन को सेल्फा प्लस आर टू कोसेल्फ बीटा इज इक्वल टू आर एक नंबर वन कंसिडर कर लिया सेकेंडली जो वाई एक्स इसके लो ये दैट अलो किसके वाई एक्सिस के ठीक है अब देखिए कंपोनेंट के आपका कपल ऑफ मोमेंट के लिए मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन कैसे निकालते हो फोर्स मल्टीप्लाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और साइन एंगल बिटवीन देन ठीक है तो आपने पहले जेड एक्सिस के लोंग लिया ये हमारा किसका हो जाएगा जेड एक्सिस ठीक है और ये जो है वो हमारा किसके वाई एक्सिस के बात समझ में आ गई क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट था वो भी के के लॉन्ग था और इनका था वो वो भी किसके लॉन्ग था उसके लोंग था तो ए आर वन साइन एल्फा प्लस में बी आर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई साइन एंगल ठीक है ऐसे ही आपके पास ये आ गए अब ये कोस कैसे बन गया यहाँ पे तो हमने साइन था क्योंकि ये जेड एक्सेस के लोग ले रखा है तो जो लाइनें आर वन और आर टू जहाँ जहाँ एक्ट कर रही हैं वो लाइनें हमने ये देखा कि जो लाइनें जैसे आर वन और आर टू पर एक्ट करे देखो इस टाइप से मैंने ये ले लिया ये जेड है ठीक है और ये मैंने वाई ले लिया तो यहाँ पर एल्फा एंगल बना रही है तो इस तरफ जो एंगल बनाएंगे वो हो, क्या होगा नाइन्टी माइनस एल्फा होंगी तो नाइन्टी माइनस एल्फा तो साइन नाइन्टी माइनस एल्फा जो है वो आपका क्या बनेगा कोस अल्फ़ा बनेगा ठीक है ओके okay. अब आप ये सोच रहे हैं नेगेटिव क्यों है हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जो फोर्स है वो तो आपका इस इस डायरेक्शन में इधर और एक जो है वो इस डायरेक्शन में है तो ये आर टू जो था वो हमने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में लगाया है तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव ठीक है तो बी आर टू कोस बीटा और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है जीरो है ठीक है ओके अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सोल्व करेंगे फ्रॉम वन से देखिए वन से हमने क्या लिया वन से सॉरी पहले फोर से ले लिया फोर से इसको इधर लेके गए आर वन कोस एल्फा बाई बी टू तो आर टू तो कोस बीटा बाय ए ठीक है मैंने दोनों ये प्रोपोर्शनल थे दोनों को ऐड किया ऐड किया तो ये क्या लिख सकते हो फ्रॉम वन से आर लिख सकते हो नीचे क्या बन गया आपके पास ए प्लस में बी ठीक है ओके अब देखिए आर वन कोस एल्फा अब इंडिविजुअली मैंने एक बार क्या ले लिया आर वन कोस एल्फा के साथ ये चीज़ ले ली दूसरी बार आर वन आर इसके साथ ये दोनों चीज़ ले लिया तो आर वन कोस एल्फा मेरे पास ये बन गया इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मान लिया आर टू कोस बीटा इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर सिक्स कंसिडर कर लिया अब इक्वेशन सेकेंड उठाई जिसके अर्चिस साइड में क्या था ज़ीरो जो कि हमें सोल्व करने में बड़ी आसानी हो रही थी तो आर वन साइन एल्फ़ा इक्वल्स टू आर टू साइन बीटा ले लिया वही काम हमने इसके साथ किया क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमेटर को पहले तो ए से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया ओके और फिर पहले न्यूमिनेटर को भी ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दिया ये आपके पास क्या बना के बना और ये क्या बन गया ए बी तो देखिए आपने आर वन साइन अल्फा की वैल्यू भी निकाल दी और आर टू साइन अल्फा की भी अब आपका मेन जो पर्पज़ है मुद्दा है वो ये है कि आप यहाँ से साइन अल्फा कोस अल्फ़ा साइन बिटा कोसबीटा इन सभी को एलिमिनेट कीजिए तो एलिमिनेट करने के लिए हम जब इसको सेवन फिफ्थ को और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा देखिए हमारे पास ये आ गया और जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है ऐसे ही सिक्स और एट्थ को लिया इन दोनों को भी स्केयर करके ऐड कर दिया हमारे पास ये चीज़ आ गई अब हम क्या कह सकते हैं दस इफ़ ए बी एंड आर के आर गिवन देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वन आर टू एल्फा बीटा अगर हमारे पास ए बी आर एंड के आर वन आर टू जो है अल्फा जो बीटा अल्फा बीटा ये टोटली totally सभी किस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके ए बी पर आर एंड के पे कर रहे हैं ना बट ए एंड बी आर ऑर्बिटरी आपने ए और बी तो ऑर्बिटरी लिया है तो देर आर मैनी देर आर इनफाइनाइट फाइनइट या मैनी नंबर ऑफ वेज इन विच द गिवन सिस्टम बी रिड्यूस बाई रिप्लेस बाई टू फोर्सेज ठीक है तो आपके पास बहुत सारे फोर्सेज हैं कि हम इसको एक्सप्लेन एक 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 कर सकते हैं अब लास्ट में हमारे पास एक थर्ड जो पॉइंट था लास्ट था कि जो फोर्सेज हमने एक्ट कराए हैं उन्हीं के अलोंग हमें एक टैटर हैडन बनानी है ठीक है तो टैटर हैडन बनानी है जहाँ पे हमारा आर जो आर वन जो फोर्स हमने अप्लाई करवाया था वो हमारे पास क्या बन गया आर वन जो फ़ोर्स अप्लाई किया था उसके ए सी ले लिया और उसको बीट दी अब देखिए ट्रैटर हैडन कैसे बनेगा जैसे आपने ये ट्राइंगल ले लिया और इनके सभी के जो फोर्सेज है पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट इनको मैंने सबको इसे जॉइन करा दिया ठीक है जॉइन करा दिया तो ये मेरा पॉइंट था ए बी सी और डी तो ये तो मेरा बेस है और जैसे देखिए ये बाहर की तरफ कि मैंने ये ये कोई भी ले लिया इस टाइप से ठीक है ट्राइंगल और कोई पॉइंट ले लिया ऊपर ऊपर प्लेन में ऊपर की तरफ और तीनों वर्टिसेस को इसको अगर ज्वाइन कर लूँ इसके टॉप से तो मेरे पास जो फिगर बनेगा वो एक टैट्राइडन बनेगा तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टैट्रा क्या बनेगा वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस बेस ट्राइंगल क्या है ए बी सी है एंड परपेंडिकुलर यहाँ की ये यह जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक डी से ये जो मेरी डिस्टेंस ठीक है थीके? अब बेस एरिया वन बाई टू बेस मल्टीप्लाई हाइट तो यहाँ पे टू एडजेसेंट साइड ले रहे हो ए बी इंटू में ए सी बाई टू ठीक है और हाइट निकालनी है अब हम आइट सीधे सीधे तो निकाल नहीं सकते तो हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बी डी साइन एल्फ़ा प्लस में बीटा ओके अब देखिए आपके पास ए बी ए सी जो भी दे रखे थे वो सब डाल दिए ठीक है बी डी ये भी डाल दिया आपने ठीक है बाई टू साइन एल्फ़ा प्लस बीटा ठीक है अब देखिए मैंने साइन एल्फ़ा प्लस बीटा को खोल दिया साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा बीटा ठीक है खोल दिया खोलने के बाद हमने क्या किया आर वन आर टू को अंदर डाल दिया अब आर वन को साइन एल्फ़ा के साथ रख दिया आर टू को कोसबीटा के साथ ऐसे ही हमने आर वन को कोस एल्फा के साथ और आर टू को किसके साथ रख दिया साइन बेटा के साथ ओके okay? ये है ये जो वैल्यूज है इसकी इन सभी की इन सभी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हों निकाल चुके हैं ना तो इन सबको उठा उठा के हमने इसमें डाल दिया डाल किया एल्शियम लिया एल्शियम लेने के बाद ये आ गया अब देखिए ये आपके पास क्या है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है के एंड आर पे तो हमने हमारी जो थ्योरम का रिजल्ट था वो प्रूव कर दिया तीन चीज़ें थी इसमें जो हमने तीनों प्रूव कर दिए ओके थैंक्स